नमस्कार। अभी आज बहुत महत्वपूर्ण बात हम करने जा रहे हैं जो आयुर्वेद और पंचगव्य से संबंधित है। हालांकि हम बार बार आयुर्वेद और पंचगव्य की बात करते रहते हैं, उसके प्रमाण के साथ हम उसकी उपयोगिता और महत्व भी समझाते रहते हैं। आज दूसरे मोड़ पर हम बात करेंगे। आज खबर आई है कि कुछ गोमूत्र पर कुछ दो तीन रिसर्च सेंटर ने शोध कार्य किया है और उसमें उन्होंने ये पता लगाया है कि गोमूत्र में कोई भी स्वास्थ्यवर्धक गुण नहीं है, उल्टा उसमें बहुत कुछ ऐसे तत्व है जो स्वास्थ्य को हानिकर है। और ये दावा एक नहीं, दो या तीन संस्थाओं ने, वैज्ञानिकों ने मिलकर किया है और उसके बाद उन्होंने सारांश में, कंक्लूजन में ये किया, कहा है कि आज तक जो गोमूत्र के विषय पर बातें समझाई जा रही है, आज जो भी बातें हो रही है गोमूत्र को लेकर, तो वो पूरी की पूरी फर्जी है और उसमें कोई भी प्रकार का तथ्य नहीं है। बात रही उससे मिटने वाले रोगों की, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि उससे कोई पर्टिकुलर रोग मिट रहे हो या किसी भी प्रकार का कोई फायदा किसी भी प्रकार के रोग में हो रहा हो। तो आज तक जो बातें हमको कही सुनाई गई है वो पूरी पूरी तरह से झूठ है और ये वैज्ञानिक सत्य के आधार पर हम प्रस्थापित करते हैं। और इस दो तीन जो टीम है वैज्ञानिकों ने वो ये दावा किया है और ये स्थापित किया है, उल्टा भैंस के मूत्र में कुछ स्वास्थ्यवर्धक गुण अवश्य है, ऐसा उन्होंने बताया है अभी की रिसर्च में। अभी उसकी खोज जारी है। ये बात हुई अभी के जो रिसर्च पेपर आए, अभी की जो शोध हुई, अब तक के जो दावे हुए उसके बाद। अब ये सुनते ही सामान्य पब्लिक को तो ये लगता है कि गोमूत्र हम पीते हैं तो हम तो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं या तो हमारे अस्वास्थ्य का कुछ हम खा रहे हैं, ऐसे वो स्वाद में भी अच्छा नहीं है तो व्यक्ति ढूंढ ही रहा होता है छोड़ने के लिए कोई ना कोई बहाना, तो ऐसे बहाने विज्ञान के नाम पर मिल जाते हैं, विज्ञान के नाम पर प्राप्त हो जाते हैं। थोड़ी देर बहस चलती है, थोड़े दिन ये सब चलता है, फिर पूरा का पूरा सामान्य हो जाता है। परिणाम अंत में ये आता है कि जो भी आज तक कहा गया है वो एक दो बातों को झूठी साबित करके उसके बाद धीरे धीरे हमको शंका के मोड़ पर वो लोग लाकर खड़ा कर देते हैं और वो भी विज्ञान के नाम से। आप याद रखें, मॉडर्न साइंस हमारे उपयोग के लिए, हम उसका उपयोग अवश्य करें, लेकिन सभी कुछ मॉडर्न साइंस के स्वीकार करना वो हमारी मानसिक गुलामी है और मॉडर्न साइंस को ही सब कुछ मानना ये अपने आप में एक लघुता ग्रंथि को दर्शाता है। अब बात करें आयुर्वेद की और आयुर्वेद में क्या कहा है मूत्र के बारे में और इससे आप तुलना कर सके। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं वो कितना सत्य है और आज तक हमने जो दावे किए हैं, जो बताया है, आज तक हम उसमें स्थिर है वो कितना सत्य है। दोनों पे आप कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं और जो विज्ञान आज तक कह रहा है, कहता आया है, उसमें उन्होंने कितनी बार पलटबाजी की है, कैसे कैसी पलटबाजी की है, कब कब उन्होंने उन लोगों को पैसे से खरीदा गया है, कब उनसे बातें बुलवाई गई है, वो सभी का चिट्ठा आज हम निकालेंगे ताकि आपके भेद भ्रम जो विज्ञान को और वैज्ञानिकों को लेकर है वो थोड़े दूर हो जाए। थोड़े समय से ये बहुत बड़ी बात चल रही है कि कोई वैज्ञानिक आकर ये बताता है कि मैं आयुर्वेद की चिकित्सा करता हूँ तो हम उसके पीछे पागल हो जाते हैं। कोई भाभास इंस्टीट्यूट से आता है, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है और आयुर्वेद की बातें बताता है, उसको चरक सुश्रुत वाग्भट पता नहीं है, उसको पढ़ने की एक निश्चित पद्धति है वो पता नहीं है, बस केवल साइंस की बात बता दी कुछ और दो एटम की बात बता दी तो हमको लगता है वो तो आयुर्वेद का खेरखा हो गया और आयुर्वेद में बहुत उन्होंने जान लिया जो आज तक कोई नहीं जान पाया। ऐसा करके हम विज्ञान की गुलामी स्वीकार कर रहे हैं मॉडर्न साइंस की। आयुर्वेद का एक अपना साइंस है, अपना फिजिक्स, अपनी केमिस्ट्री, अपनी बायोलॉजी है, उसका कुछ किसी को पता ही नहीं है। न्याय दर्शन जैसा तुतिंग दर्शन उसके बेस में खड़ा है, वैशेषिक दर्शन जैसा, हिमालय की बुद्धि जैसा दर्शन उसके आसपास में है, सांख्य दर्शन जैसी बायोलॉजी और नागार्जुन ने स्थापित किया हुआ रसायन शास्त्र आयुर्वेद के अलग अलग अंग है, जो सात अंगों से चाणक्य ने बताया है राज्य रक्षित होता है, ऐसे ही आठ अंगों से आयुर्वेद की रक्षा होती है और आठों अंग उतने मजबूत स्तर पर खड़े है कि कोई
उसका बेस तो क्या, कोई ईंट तो क्या, कोई कंकण भी उसका हिला नहीं सकता है। तो आज हम बात करेंगे आयुर्वेद में गोमूत्र के बारे में क्या बताया गया है और ये क्यों आज भी उपयोगी हो रहा है। तो प्रथम बात करते हैं भाव प्रकाश नामक ग्रंथ की। 16वीं सदी का ये ग्रंथ ऐसे चरक सुश्रुत को लेकर वाग्भट तक प्राणी पशु इत्यादि सभी से मिलने वाले पदार्थों का गुण का विवेचन किया है। दूसरी पथियों ने यद्यपि औषध के गुण बताए हैं, लेकिन दोष छिपाए हैं, दोष नहीं बताए हैं। आयुर्वेद ने द्रव्य को लेकर गुण भी बताए हैं, दोष भी बताए हैं। और कभी ये अंधेपन से नहीं कहा है कि आप ये हमेशा खाते जाओ, हमेशा पीते जाओ। ये केवल और केवल मॉडर्न साइंस बताता है, संडे हो या मंडे रोज खाए अंडे, या तो फिर कुछ भी बातें हैं तो वो मॉडर्न साइंस के नाम से हमारे मस्तिष्क में डाल दी जाती है और उसमें एक कोष्टक बनाकर प्रोटीन विटामिन इतने 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 परसेंट है, कार्बोहाइड्रेट इतने परसेंट, वो एक बहकावे की बात लाकर अनेक प्रकार के पाउडर आज बाजार है और बहुत सारे डॉक्टरों को इसके बेचने के लिए एजेंट बनाया जाता है। ऐसी बहुत सारी मेडिकल साइंस में अभी भ्रष्टाचारी है और उसी के बारे में तो हम आज बात नहीं करेंगे, लेकिन मूत्र के बारे में अवश्य बात करेंगे। आयुर्वेद ने केवल गो के मूत्र की बात नहीं की है, ये आपको मैं स्पष्ट कर दूं। आयुर्वेद ने मल मूत्र दूध दही घी मक्खन ये सबके गुण और दोष दोनों बताए हैं। मनुष्य के लिए कब क्या लाभकारी है, कब क्या नुकसानदायक है वो भी बताया है। किस रोग में उसको ले सकते हैं, कौन व्यक्ति ले सकता है वो भी बताया है। किस रोग में कौन व्यक्ति नहीं ले सकता है वो भी बताया गया है। तो जब व्यक्ति को कोई भी और पता नहीं था, जब तक उसको पानी तक छानने की बुद्धि नहीं थी, तब आयुर्वेद ने गोमूत्र के गुण बताए है, पानी के गुण बताए हैं, पानी और गोमूत्र की पीने की विधि बताई है। तो ये पूरा का पूरा एक बेस है, वो आयुर्वेद के अपने वैज्ञानिक तथ्यों पर स्थापित और सिद्ध हुआ है। तो उसको कोई दो चार प्रयोग से न तो कुछ कर पाता है और वो अपनी अज्ञानता ही सिद्ध करता है। ऐसी कोई दो चार वस्तु करके कोई एक दावा करता है अपने आप को रिसर्च का, तो ये अपने आप में अज्ञान की बात होगी। अब मैं क्या बात करेंगे मूत्र की। मूत्र के विषय पर अनेक ग्रंथों में से मैं अभी भाव प्रकाश की बात करूंगा। भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में मूत्र के लिए बताया गया है कि सब मिलकर 9 प्राणी पशु मनुष्य को लेकर 8 प्राणी पशु और एक मनुष्य से लेकर 9 ऐसे जो जीव है जिसका मूत्र उपयोग में आ सकता है औषधि के रूप में। औषधि के रूप में किस तरह से उसका उपयोग करना है वो भी बताया है। उसमें बताया गया है कि गो यानी कि गाय, अजा यानी कि बकरी, आवी यानी कि भेड़ और भैंस, अभी महिष यानी कि भैंस, ये चारों चार जो पशु है वो स्त्री मादा का मूत्र लेना है, वो बहुत ही गुणवत्ता वाला होता है। आगे जाकर उन्होंने ये भी बताया है कि गधा हो गया, ऊंट हो गया, हाथी हो गया, मनुष्य हो गया और घोड़ा हो गया, ये सब के नर मूत्र की प्रशस्ति है। ये सब नर के मूत्र उत्तम गुण वाले माने गए है। अब भैंस का गुण औषधीय गुण, भैंस का मूत्र औषधीय गुण वाला नहीं है ऐसा कभी आयुर्वेद ने कहा ही नहीं है। आयुर्वेद तो ये स्वीकारता ही है कि भैंस के मूत्र में भी बहुत सारे गुण है, गाय के मूत्र में भी है, बकरी के मूत्र में भी है, भेड़ के मूत्र में भी है। इतना ही नहीं, किस किस रोग में किस किस का उपयोग हो सकता है वो भी पूरी डिटेल दी है। अभी मैं बताता हूँ वैज्ञानिक क्या करते हैं। ये सब भाव प्रकाश वगैरह पढ़ते नहीं है, कुछ भी आयुर्वेद की रीति से मूत्र का अध्ययन नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, झट से मूत्र को लाते हैं, किसी भी गाय का ले आते हैं, कभी भी ले आते हैं, उसको छानते भी है नहीं वो पता नहीं है, किसी भी पात्र में लाते हैं और उसको टेस्ट करने भेज देते हैं। टेस्ट करने के लिए भेज दे तब निश्चित ही है उसमें बैक्टीरिया निकलता ही है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसमें बैक्टीरिया न हो। अब वो बैक्टीरिया तो दही में भी है वो हम सब जानते हैं। अब कोई उसको सूक्ष्म दर्शक यंत्र से बताकर ये बता दे कि दही में इतने बैक्टीरिया दिख रहे हैं तो वो हमको हानिकर होंगे और वो स्वास्थ्यकर नहीं होंगे, ये एक रिसर्च है।
तो उस पे कोई भी प्रकार का दावा हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसने जो बात बोली वो मोगम मोगम बोली है, आधा सच आधा झूठ बोला है। लेकिन हमको ये लगता है कि ये तो बहुत बड़ी रिसर्च की बात कह दी, क्योंकि वो जो सहारा लेता है वो मॉडर्न साइंस का लेता है, और उसमें कुछ मॉडर्न साइंस होता ही नहीं है। वो तो लैब टेस्ट कराए तो बैक्टीरिया निकलता है, अब वो स्वास्थ्यवर्धक है कि नहीं उसके रिसर्च में तो सालों लग जाते हैं, लेकिन दावा करने में क्षण भी लगती है। तो आज जमाना दावे का है। एडवर्टाइज में आप देखेंगे, अनेक जगह पर देखेंगे कि पहले उन्होंने ही बताया कि आपकी टेपेस्ट में नमक है तो आपको वो नुकसान कर सकता है। थोड़ी देर के बाद आया कि क्या आपकी पेस्ट में नमक है, नीम है, आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक है। देखो, ये मॉडर्न साइंस के आधार पर ही दो बातें हुई थी, अब क्या बदल दी, क्योंकि मार्केटिंग किसकी हो गई, आयुर्वेद की हो गई, तो तुरंत बदल दिया। अब दूसरी बात आई मूत्र की, आज ये कह रहे हैं कल ये कहेंगे। तो पैरासीटामोल से लेकर अलग 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 दवाइयों से लेकर जितनी भी दवाई आई उसमें पहले के दावे, उसके बाद के दावे, उसके बाद के दावे, नहीं तो कितने दावे एक ही विषय पर हुए। परस्पर वैज्ञानिकों के दावे भी कितनी बार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हुए। आयुर्वेद ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में ये मूत्र के गुण बताए हैं, हमको आयुर्वेद पर श्रद्धा है। इतना ही नहीं, युक्ति से भी हम जान सकते हैं। सालों से उन्होंने जो न्यूज में दावा किया कि कोई व्यक्ति 2 महीना या 1 महीना पीकर उसका ब्लड टेस्ट करा दे, तो मैं बताता हूँ, मैंने ऐसे व्यक्ति देखे हैं सालों से जो गोमूत्र पी रहे हैं और उसकी तबीयत बहुत ही अच्छी है। आज भी हम गोमूत्र पीने का सजेस्ट करते हैं कुछ कुछ लोगों में, कैंसर के पेशेंट से लेकर बहुत लोगों को ये करने को कहते हैं, और उससे बहुत ही लाभ प्राप्त भी होता है। उससे हम टेस्ट भी करवा सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। बात रही बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया आयुर्वेद स्वीकार ही करता है। इसके लिए ही मूत्र को लेने की एक निश्चित विधि बताई गई है। कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार का लेकर उसको यदि आप टेस्ट करेंगे और उसको लेकर आप कुछ भी दावे कर देंगे, तो वो तो एक अंधापन है। वो चाहे विज्ञान का भी क्यों न हो, वैज्ञानिक का भी क्यों न हो। तो हमने आज जितनी भी महत्ता बढ़ा दी है वैज्ञानिक की, वो कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग हो रहा है। आप मानिए, वैज्ञानिक कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई नहीं होता है दावेदार, उसका विषय गोमूत्र से लेकर आयुर्वेद के द्रव्य गुण विज्ञान का विषय उनका नहीं होता है। उनका विषय परमाणु और ये सभी जो हमारा फिजिक्स बायोलॉजी है वो होता है। आयुर्वेद के पास खुद अपना विज्ञान है, खुद अपने दम पर आज तक खड़ा है। आज तक गुरु शिष्य परंपरा से हजारों लाखों वैद्य तैयार हुए हैं, जो देश दुनिया में अनेक रोगों के सामने, जीवकाचार्य जी से लेकर आज तक देश दुनिया में अनेक रोगों को उन्होंने मिटा दिया है, अनेक रोगों को जान लिया है। आप आयुर्वेद का इतिहास देखेंगे तो ये सब बातें आपको पता चलेगी। तो ये झूठे बहकावे में आप ना आए, वो आधी हकीकत आधा फसाना होता है। बैक्टीरिया निकलता है, वो तो दही में भी निकलेगा, दूध में भी निकलेगा, और उसके आधार पर वो बता देते हैं कि स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। कल वही पलट जाएंगे, यदि प्रतिकूल स्थिति आई तो, अनुकूल स्थिति आई तो डट कर रह पाएंगे। उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आयुर्वेद का द्रव्य गुण विज्ञान आप जानेंगे, इसके लिए हम आयुर्वेद का प्रचार प्रसार और आयुर्वेद के वर्गों का भी आयोजन करते हैं। तो आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि आज से हजारों हजारों साल पहले द्रव्य गुण के कितने कितने ग्रंथ लिखने वाले ऋषि मुनि महान है, कि ये 2 कोड़ी के लोग जो आज कुछ बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, परसों कुछ बोलते हैं, ये लोगों की बात सत्य है। ये निर्णय आपको करना है, ये निर्णय के लिए आपके पास बुद्धि है, आपके पास पूरी शक्ति है। वो निर्णय आप करिए, कौन सही है कौन झूठ है। और अंतिम में बात ये बताता हूं कि किसी भी को यदि तोलना है तो उसके शास्त्र पर ही तोलिए। आयुर्वेद को तोलना है तब आयुर्वेद का अपना मापदंड है, आयुर्वेद का अपना विज्ञान है, उसी से आयुर्वेद को जाने, उसी से आयुर्वेद को माने, उसी से आयुर्वेद को पहचाने। नमस्कार।